बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, धातु से बने सिक्के सबसे पहले किस युग में प्रकट हुए थे? कैंडिडेट ने इसका आंसर दिया, हड़प्पा सभ्यता में धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो कैंडिडेट ने इसका आंसर दिया, वज्जी जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। एग्जामिनर ने उम्मीदवार से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर आता है तो नीचे कमेंटों में अपनी राय देना मत भूलिएगा। कैंडिडेट ने इसका आंसर दिया, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राज्यकूट शासक कृष्णा ने करवाया था। एग्जामिनर ने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? कैंडिडेट ने इसका आंसर दिया, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिशेन ने बनवाया था। उम्मीदवार ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? दोस्तों ये भी इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है। कैंडिडेट ने इसका आंसर दिया, राजस्व अधिकारी टोडरमल ने शेरशाह के अधीन सेवा की थी। एग्जामिनर ने उम्मीदवार से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? कैंडिडेट ने बहुत ही सूझबूझ से इसका आंसर दिया, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक सुभाष चंद्र बोस था। एग्जामिनर ने उम्मीदवार से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, अगर ए के आगे एप्पल है और बी के आगे बॉल है तो सी के आगे क्या होगा? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो नीचे कमेंट में अपना आप राय हमें दे सकते हैं। कैंडिडेट ने थोड़ा सा सोचकर इसका आंसर दिया, अगर ए के आगे एप्पल है, बी के आगे बॉल है तो सी के आगे डी होगा। एग्जामिनर ने उम्मीदवार से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? कैंडिडेट ने इसका आंसर दिया, अकबर मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, कलिंग के विरुद्ध अशोक ने अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैंडिडेट ने इसका आंसर दिया, कलिंग के विरुद्ध अशोक ने अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत शिलालेख 13 है। एग्जामिनर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, गंधार कला किसके अधीन फली फूली? कैंडिडेट ने इसका आंसर दिया, गंधार कला कुषाण काल अधीन फली फूली। एग्जामिनर ने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? कैंडिडेट ने इसका आंसर दिया, मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से लास्ट क्वेश्चन पूछा, कौन सा काम करते वक्त महिला पुरुषों से बोलती है कि थोड़ा और अंदर डालो? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। कैंडिडेट ने इसका आंसर दिया, सुई में धागा डालते वक्त महिला पुरुषों से बोलती है कि थोड़ा और अंदर डालो। दोस्तों कमेंट में बताने कि आपने इसका आंसर क्या सोचा था। वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।